हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10 विज्ञान के लिए 100% गारंटी आने वाले पांच प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2019 में 100% गारंटी आएंगे, और इन प्रश्नों का आपको आंसर भी मिलेगा। वो आंसर कहाँ मिलेगा आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो अगर अब तक आप कहीं भटक रहे हो तो सब्सक्राइब करो शुभम क्लासेस चैनल को, और बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे दबाओ, इससे आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 17, 18, 14, 12 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इसमें से जो पांच प्रश्न बताऊंगा इनको याद करके लीजिएगा एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे कि एक प्रश्न जब आएंगे, ठीक है, कि कोई बता दिया था तब भी मैंने याद नहीं किया था। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 17, 18, 14 और 12 में आ चुका है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 17, 15, 14 और 13 में आ चुका है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इस तरीके के प्रश्न आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम और निरूपक या प्रारूपिक तत्व, इनको आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम का और निरूपक या प्रारूपिक तत्व, ये 2010, 2014 और 2017 और 2016 में आ चुका है, 4 साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ये जरूर याद कर लीजिएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम और निरूपक या प्रारूपिक तत्व, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर का वीडियो का है, श्वसन क्रिया को समझाइए। श्वसन क्रिया क्या होती है उसको समझाना है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, श्वसन क्रिया को समझाना है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है ये बताना है। 2010, 2009, 2015 और 2016 4 साल ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया को समझाइए, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताइए। एक ही में प्रश्न है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको बस एक क्लिक करके मिलेगा, वो आपको कहाँ पे क्लिक करना है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन उपरांत पुष्प पे होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचन और उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। 2014, 2013, 2017 और 2016 में आ चुका है। ये पांच प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम, निरूपक या प्रारूपिक तत्व, श्वसन क्रिया को समझाइए, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताइए, और निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। ये पांच प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से गारंटी है 2 या 3 प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इन प्रश्नों का आंसर नीचे पीडीएफ लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसमें जुड़ सकते हैं, आपको वहां पर अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही अगर सभी सब्जेक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% गारंटी प्रश्न चाहिए तो सब चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।